मेमना और भेड़िया। एक बार एक छोटा मेमना प्यासा था। वो पानी पीने के लिए एक झरने के पास पहुंचा। उस झरने पर एक दुष्ट भूखा भेड़िया भी अपनी प्यास मिटाने आया हुआ था। जब उसने मेमने को देखा तो सोचने लगा, अरे मेमना, मैं इसे बातों में उलझा कर पकड़ लूंगा, फिर इसे खाऊंगा। वो उसी तरफ से पानी पी रहा था जहाँ से मेमना पानी पी रहा था। तब भेड़िया गुस्से से गुर्राते हुए बोला, तुम यहाँ? मेमने ने भेड़िए की तरफ देखा। भेड़िया बोला, मेरे पीने वाले पानी को तुम गंदा क्यों कर रहे हो? पर ये सच नहीं है, तुम देख रहे हो, पानी तुम्हारी तरफ से नीचे की ओर बह रहा है, फिर मैं किस प्रकार तुम्हारा पानी गंदा कर सकता हूँ? मेमना बोला, मुझसे उलझने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उतने ही अभद्र हो जितने एक महीने पहले थे। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो केवल 3 सप्ताह का हूँ, तब तक तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तब अवश्य ही वो तुम्हारी अभद्र माँ होगी, मैं तुम्हें खाकर उसे दंड दूंगा। ऐसा कहकर भेड़िया मेमने के ऊपर झपटा और उसे खा गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शैतान से बचकर रहना चाहिए।